आप ये फिल्म शायद इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप डिमेंशिया के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, या क्योंकि आप या आपके किसी करीबी व्यक्ति को डिमेंशिया का डायग्नोसिस दिया गया है। इस फिल्म में हम आपको बताना चाहते हैं कि डिमेंशिया क्या है, इससे व्यक्ति पर और उनकी फैमिली पर क्या असर पड़ता है, और डिमेंशिया से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए क्या मदद उपलब्ध है। हम इस फिल्म में कुछ ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जिन्हें खुद या जिनके परिवार में किसी को डिमेंशिया का डायग्नोसिस दिया गया है, और उनसे और उनकी फैमिली से उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन में बदलाव आने लगते हैं। ये बदलाव कई अनेक बीमारियों की वजह से हो सकते हैं। डिमेंशिया की वजह से व्यक्ति की याददाश्त और सोच काम करने की क्षमता लगातार कम होने लगती है। हमारी शादी 1974 में हुई थी, 41 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ रहते थे, वो इंडिया में गए, वहाँ पर हमारी शादी हुई और उसके बाद हम यहाँ वापस आ गए। मेरे हस्बैंड बिजनेस करते थे, पहले तो वो चीज़ क्लॉथ का काम करते थे, उसके बाद उन्होंने शॉप ली जो न्यूज़ एजेंट्स भी थी, पोस्ट ऑफिस भी था और ग्रोसरी शॉप भी थी। मैं अपने हस्बैंड का की केयरर हूँ जो पार्किंसन और पार्किंसन डायमेंशिया में सफ़र करते हैं। उनको पार्किंसन सफ़र करते हुए 13 साल हो गए और उनको पार्किंसन का डायग्नोज करा 9 साल हो गए। डायमेंशिया उनको 2011 से शुरू हुआ था और हॉस्पिटल में पता चला कि उनको उनकी मेमोरी थोड़ी ख़राब हो रही है। डिमेंशिया का सबसे ज़्यादातर होने वाला सिम्टम है याददाश्त कमज़ोर हो जाना, खासकर हाल में हुई बातों के लिए। धीरे 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 वो चीज़ें भूलने लगे। एक्सीडेंट होते थे बाथरूम में, लाइट बंद करनी भूल जाते थे, पानी बंद करना भूल जाते थे। उससे मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्यों करते हैं। और जब मैं उनसे पूछती थी तो वो हर चीज़ को डिनाई करते थे। बाथरूम जाना भूल जाते थे, बाथरूम कहाँ है घर में वो भी भूल जाते थे। बाथरूम जाना है तो कमरों में घूमते रहते थे, बाथरूम जाना है तो ऊपर चले जाते थे जब हमने उनके लिए स्पेशल बाथरूम नीचे बनवाया था। बातचीत करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लोगों को सही शब्द याद नहीं आता, या बार बार एक ही बात दोहराते हैं। मूड में बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि चिड़चिड़े या उदास रहने लगते हैं, गुस्सा जल्दी आने लगता है या शक्की हो जाते हैं। चीज़ें अक्सर खोने लगते हैं जैसे कि चाबी, पर्स वगैरह। मेरा नाम अब्बास खान है, तो मैं आया तो पहले 1960 में पाकिस्तान से आया था। कोई वो ज़माना था कि मैं अंग्रेज़ों का भी इंटरव्यू करता था, अब मुझे इंग्लिश भूल गया। बांग्लादेश ज़बान मुझे बहुत अच्छी तरह मैं बोल सकता था, बिल्कुल ही भूल गया हूँ। हैं जी, तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके नाम भूल जाता हूँ। तकरीबन 5 साल हो गए जिसमें ऐसे कि पहले पता लगा भाई डायग्नोज होया जी भाई अबू रंग की डायमेंशिया है। उस तो पहले तकरीबन 1-2 साल कब तो ज़्यादा अरसा हो गया ऐसा कि पता नहीं लगा। अबे और की गुस्सा बहुत जल्दी चल जाना सी, कई दफ़ा कुछ चीज़ें याद नहीं सर रहनियाँ। मेरे बेटे की गए स्कूल तो चाहने था, एक ही पोता है तो स्कूल गए तो उसने ना ही नहीं याद, सिंपल ना उसना उम्र उम्र की जाए चाहना है, उसकी डॉक्टर नहीं अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट याद पर जेरा ना पोते ना नाम बिल्कुल नहीं याद। उस तो बाद असी ठहरी ठहरी पता लगा जी भाई अबू रंग की कई चीज़ें जेरा ना हूँ याद ही चितनियाँ नहीं रहनियाँ। जिस दिन का मुझे स्ट्रोक हुआ है वो उसके बाद के ये चीज़ें याद ही नहीं, बच्चों के नहीं नाम याद रहते हैं। मेरी कार की चाबी गुम हो गई थी जिसका 100 पाउंड देकर वो चाबी मुझे बनवानी पड़ी। उसके बाद फिर ये ग्लासेस मेरे जो है 2-3 दफ़ा ये गुम हो गए हैं, और कई ऐसे जैसे कई दफ़ा मैं पैसे मनी जो है वो रखता हूँ कहीं तो फिर भूल जाता हूँ। ऐसे होता है, ये बहुत ऐसे है, इसके वजह से बहुत नुकसान हुआ अपना।
जैसे डिमेंशिया बढ़ता है, कन्फ्यूजन बढ़ने लगती है। उन्हें कभी कभी याद नहीं रहता कि वो कहाँ हैं या कौन से साल में हैं। कभी सोचने लगते हैं कि किसी ने उनकी चीज़ें चुरा ली हैं। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों को पहचान नहीं पाते। डिमेंशिया के बढ़ने से शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। अपनी देखभाल करने में मुश्किल आती है, जैसे नहाने में, चलने फिरने में और तैयार होने में मदद की ज़रूरत होने लग सकती है। डिमेंशिया और बढ़ापे में क्या फ़र्क है? हमें डिमेंशिया का पहले बिल्कुल पता नहीं था। हमने सुना था कि लोग सफ़र करते हैं डिमेंशिया से, लेकिन डिमेंशिया का हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हमारी किसी फैमिली के किसी मेंबर को डिमेंशिया नहीं हुआ था। इंडिया में लोग कह देते हैं कि ओल्ड एज में लोग चीज़ें भूल जाते हैं, तो अगर वो हम लोग भी उस एज में पहुंच रहे थे, हमने सोचा हो सकता है कुछ ऐसी बात होगी। कई लोग समझते हैं कि डिमेंशिया और बुढ़ापा एक ही है, लेकिन ये सही नहीं है। बुढ़ापे में याददाश्त पहले से कमज़ोर ज़रूर हो सकती है, लेकिन डिमेंशिया में ये बदलाव बहुत सीरियस होते हैं। भूलना, चीज़ें खो देना वगैरह की प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ने लगता है। व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोग चिंता करने लगते हैं, नोटिस करने लगते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। डिमेंशिया कई तरह के हो सकते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज में ब्रेन में असामान्य या अबनॉर्मल प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से ब्रेन के सेल्स नष्ट हो जाते हैं। ब्रेन में याददाश्त का केमिकल, जिसे हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं, कम होने लगता है। ब्रेन का साइज भी कम होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। ये एक नॉर्मल ब्रेन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्जाइमर्स से ब्रेन पर क्या असर पड़ता है। वास्कुलर डिमेंशिया एक अलग किस्म का डिमेंशिया है, जिसमें ब्रेन में रक्त का प्रवाह या ब्लड फ्लो कम होने लगता है। वास्कुलर डिमेंशिया स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिस और स्मोकिंग से वास्कुलर डिमेंशिया होने का खतरा बढ़ जाता है। डिमेंशिया कई प्रकार के होते हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि अल्जाइमर्स और डिमेंशिया एक ही है। अल्जाइमर्स एक प्रकार की डिमेंशिया है, जिसमें सबसे अहम आसार है याददाश्त की कमज़ोरी, जो बहुत धीरे से शुरू होता है और बहुत धीरे से बढ़ता है। एक और प्रकार की डिमेंशिया है वैस्कुलर डिमेंशिया, जो अचानक से शुरू हो सकता है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। इनके अलावा और भी प्रकार के डिमेंशियाज हैं, जैसे फ्रॉन्टोटेम्पोरल डिमेंशिया, जिसमें व्यक्ति के स्वभाव और बिहेवियर में बदलाव दिखने लगते हैं। और टाइप्स के डिमेंशियाज हैं ल्यूई बॉडी डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज वगैरह। डिमेंशिया का इलाज दवाइयों से अल्जाइमर्स डिजीज का इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन विश्व भर में डिमेंशिया की क्योर ढूंढने के लिए रिसर्च चल रही है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको शुरू के स्टेज में लेने से डिमेंशिया का प्रवाह या बढ़ने की स्पीड धीरे की जा सकती है। इसलिए डिमेंशिया का सही समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है। वैस्कुलर डिमेंशिया में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा वैस्कुलर डिमेंशिया की कोई दवाइयां नहीं है। अगर डिमेंशिया हुए व्यक्ति को साथ में डिप्रेशन भी है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जा सकते हैं। जब आपको या केयरर्स को इस डिमेंशिया के डायग्नोसिस से काफ़ी परेशानी या स्ट्रेस महसूस होने लगे, जिसके वजह से आप इस परिस्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, तब आप साइकोलॉजिस्ट या एडमिरल नर्स से बात करके आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। डिमेंशिया के शुरू के स्टेजेस में अपने इमोशंस को संभालने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट काफ़ी मदद कर सकते हैं। जैसे डिमेंशिया बढ़ती है, तो उसके साथ जुड़ी हुई जो बिहेवियर्स हैं, जैसे कि अचानक गुस्सा आ जाना या फिर चीखना चिल्लाना, इन्हें मैनेज करने में फैमिलीज़ काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, तो इनके मैनेजमेंट में भी साइकोलॉजिस्ट काफ़ी मदद कर सकते हैं। इनके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में आपको याददाश्त के प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सिखाया जाता है। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपी एक ऐसा रिसर्च किया गया ट्रीटमेंट टेक्निक है,
जिसमें ब्रेन को एक्टिव रखने की तरीके सिखाए जाते हैं। इनके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एडमिरल नर्स, आर्ट थेरेपिस्ट, केयर सपोर्ट ग्रुप वगैरह से भी आपको मदद मिल सकती है। लेकिन इस सब के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले डिमेंशिया का जल्द से जल्द डायग्नोसिस करवाएं। अगर आपको अपनी बिगड़ती याददाश्त के बारे में चिंता होने लगे तो अपने GP से बात करें। वो आपको स्पेशलिस्ट मेंटल हेल्थ टीम को रेफर कर सकते हैं, जहां कई तरह के टेस्ट्स और असेसमेंट से डिमेंशिया का सही डायग्नोसिस हो सकता है। यहां आपको अन्य प्रोफेशनल जैसे कि सीनियर नर्स प्रैक्टिशनर से भी सपोर्ट मिल सकती है। डिमेंशिया के डायग्नोसिस के बाद ये सुनना कि आपको या आपके किसी करीबी व्यक्ति को डिमेंशिया है काफी मुश्किल हो सकता है। कई लोग ये सुनकर बहुत घबराहट या चिंता महसूस करने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। शुरुआत में ऐसे रिएक्शंस नॉर्मल हैं। बहुत मुश्किल था डील करना, बच्चों को ये समझाना, लेकिन बिकॉज दोनों बच्चे ग्रोन अप है, इनफैक्ट दे यूज टू सपोर्ट मी इंस्टेड, फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यू हैव टू कम टू टर्म्स विद इट, वी हैव, इसलिए मेरी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मैं 24 घंटे उनको लुक आफ्टर करती थी। अब मैंने उनको नर्सिंग होम में भेज दिया है। हमारा कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम उनको नर्सिंग होम में भेजेंगे। मैं उनकी लुक आफ्टर करना चाहती थी। मैं हॉस्पिटल से उनको घर ले आई थी 3 हफ्ते के लिए, लेकिन वो फिर बीमार हो गए और केयरर से भी उनको हैंडल नहीं किया गया, तो फिर बहुत मुश्किल हुआ। तो हमने एज अ फैमिली ये डिसाइड किया कि नर्सिंग होम का टाइम आ गया, इनको नर्सिंग होम भेजना चाहिए, वहाँ जहाँ मैं रोज़ उनको विज़िट करती हूँ सुबह से शाम तक। लेकिन कई लोगों को साथ साथ राहत भी महसूस होती है कि उन्हें अब समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसलिए सही समय पर डायग्नोसिस मिलना लाभदायक हो सकता है। शुरू में एक फैसला जो आपको लेना होगा वो ये है कि आप इस डायग्नोसिस के बारे में किसको बताना चाहते हैं। कई लोग इसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन औरों को खुलकर लोगों से बात करने से राहत महसूस होती है। उन्हें पता चलता है कि वो अकेले नहीं हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम कुछ भरोसेमंद लोगों से अपनी चिंताएं शेयर करें, बात करें, प्रोफेशनल से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में सलाह लें, अपनों के साथ बैठकर आगे के प्लान्स बनाएं। आपके आगे के केयर और इलाज के बारे में शुरू से ही सोचना बेहतर है, क्योंकि बीमारी बढ़ने के बाद ऐसे फैसले मुश्किल लगने लगेंगे। उसी तरह अपने फाइनेंसेस, पैसे और प्रॉपर्टी के मामलात, विल बनाना या वसीयत बनाना, ये सारे काम डायग्नोसिस मिलते ही सुलझाना बेहतर है। आपके करीबी रिश्तेदार और दोस्त इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। मेरे 4 पोतियां हैं, एक तो 9 साल की होने वाली है और दूसरी 4 साल की है, एक 3 साल की है और एक 1.5 साल की है। 9 साल की बच्ची समझ जाती है। जब वो बिल्कुल छोटी थी तो वो अपने दादाजी का हाथ पकड़ के बिठाती थी, उनको उसको मालूम था कि दादाजी ठीक नहीं रहते, तो वो दादाजी की बहुत लुक आफ्टर करती थी। सारी बच्चियाँ दादाजी को बहुत प्यार करती हैं। दो नाना जी की हैं, दो दादाजी की हैं। सो फैमिली में अगर छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो बच्चे हैं छोटे बैठ के उनको स्टोरी पढ़ के बताएं, पिक्चर दिखाएं, तो उससे भी उनको बहुत हेल्प हो सकती है। परिवार में बच्चों को भी इस सब में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी किताबें खास बच्चों के लिए लिखी गई हैं जो उन्हें डिमेंशिया को समझने में मदद करती हैं और उन्हें बताती हैं कि इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। डिमेंशिया में कई बार ऐसी बिहेवियर्स उठ सकती हैं जो केयरर्स को संभालनी मुश्किल लग सकती हैं, जैसे कि बार बार एक ही बात दोहराना या एक ही बात पर अड़ जाना। उस तरीके ने कई गलां बेके बिल्कुल नहीं याद, तो कई गलां जेरा ना अब किस्मत ने जिद्दी बन जाने सन, ये मैं गल कीती है या इधर असी गए सन, वो गल हो ही नहीं है। और अब आज सुबह तुसी कार को नसो किथे गए सो, मैं गए सा फलाना निकार गया सा, किसी ने नेबर निकार,
नेबर की मिलना नहीं, मेरे घर नहीं आए, फिर पता लाना किधर गए हो, वो डॉक्टर नहीं गए। छोटियां छोटियां चीज़ा जो बिल्कुल जो अस फैमिली तरफों काफ़ी कंफ्यूज हो रहे स। डिमेंशिया की वजह से लोग कई बार भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं, कौन से साल में हैं। आपके बार बार याद दिलाने पर भी वही बात दोहराते रहते हैं। ऐसे में देखभाल करने वाले या केयरर्स कभी कभी चिढ़ जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे ज़ोर से या गुस्से से बात ना करें। अगर वो कहने लगें कि मैं सन 1960 में हूँ या इंडिया में हूँ या पाकिस्तान में हूँ, तो एक बार उन्हें सही टाइम या जगह ज़रूर बताएं, लेकिन इसे बहस या आर्ग्यूमेंट मत बनने दें। अगर आपके एक बार याद दिलाने के बाद भी वो ना माने, तो उनका ध्यान धीरे से कहीं और ले जाइए, किसी और विषय के बारे में बात करने लग जाइए। कभी कभी लोग अपने केयरर्स पर या फैमिली मेम्बर्स पर बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, बार बार पुकारने लगते हैं या चाहते हैं कि लोग उनकी नज़रों के सामने रहें। ये सब कुछ वो आपको परेशान करने के लिए नहीं कर रहे, हो सकता है अपने खुद के डर और घटती हुई कॉन्फिडेंस की वजह से कर रहे हैं। उनके बर्ताव के पीछे की फीलिंग्स को या भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें रीअश्योर कीजिए, बार बार याद दिलाइए कि वो आपके लिए अब भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, आप उन्हें छोड़ नहीं देंगे। उन्हें कभी कभी ये भी महसूस होने लग सकता है कि उनका अपनी ज़िंदगी पर काबू घटता जा रहा है, उन्हें खुद अपने चॉइसेस, अपने फ़ैसले लेने में इनकरेज करें, उनके लिए हर फैसला ना लें, मिलजुल कर फैसले लें। अगर वे बहुत हड़बड़ा जाएं या अपसेट हो जाएं, तो उन्हें किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें जिससे वो थोड़ी शांति महसूस कर सकें, जैसे कि उनका फेवरेट म्यूज़िक या गाना लगाना, हाथों की हल्की मालिश करना, तस्वीर बनाना वगैरह। अगर आप उनके किसी बर्ताव से बहुत स्ट्रेस्ड या अपसेट हो जाएं, तो अपने आप को भी शांत होने का टाइम दें। कुछ देर कमरे से बाहर जाकर अपने आप को रिलैक्स करने का वक्त दें। अपने आप को याद दिलाएं कि ये सब कुछ वो जानकर नहीं कर रहे, ये सब कुछ डिमेंशिया की वजह से है। अगर चीखना, चिल्लाना या गुस्सा हो जाना इतना बढ़ जाए कि आप मैनेज ना कर पाएं, तो अपने डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या नर्स से सलाह लें। अगर डिमेंशिया हुए व्यक्ति को टॉयलेट जाने में मुश्किल होने लगे या उनको बार बार एक्सीडेंट्स होने लगे, तो अपने डॉक्टर से या जीपी से बात करिए, वो आपको इनकॉन्टिनेंस पैड्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखभालकर्ता के लिए जानकारी, केयरर्स के लिए क्या मदद उपलब्ध है। अगर आप किसी की देखभाल कर रहे हैं जिन्हें डिमेंशिया है, तो इससे आप पर और आपके रिश्ते पर भी बहुत असर पड़ेगा। आपको भी अपने पहले जैसे रिश्ते को खोने का दुख और अपने प्रियजन में आए बदलाव से समझौता करने के लिए समय लगेगा। साथ साथ आप पर रोज की देखभाल करने की जिम्मेदारियां भी होंगी, जिससे आप कभी कभी थकान और स्ट्रेस महसूस करेंगे। आप शायद इस सफर में पाएंगे कि आपको कई सारी ऐसी चीजें या काम सीखने पड़ेंगे जो आपको जिंदगी में पहले कभी नहीं करने पड़े। मिसाल के तौर पर, अगर घर में पत्नी हमेशा खाना बनाती थी, तो डिमेंशिया होने के बाद हो सकता है उनको इसमें मुश्किल हो और पतियों को खाना बनाने में ज्यादा मदद करने की जरूरत पड़े। अगर पति हमेशा बिल्स वगैरह संभालते थे, तो पत्नी को ये सब कुछ संभालना सीखना पड़ सकता है। ऐसे में बहुत आसान है कि आप अपनी ज़रूरतों के बारे में बिल्कुल भूल जाएं, ऐसा ना होने दें। याद रखिए कि आपके लिए अपनी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और की। अपने इमोशंस के बारे में बात करें और मदद मांगने से ना हिचकिचाएं। मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट करते थे, और तब 2011 में जब हम हॉस्पिटल में थे, तो हमें डिस्क रिप्रेजेंटेटिव मिला था, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। वो भी हमारे घर में रेगुलर विजिट करने लगे, तो सोशल सर्विसेज और सबको उन्होंने कांटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प की। मैं डिमेंशिया एडवाइज़र हूँ, मैं डिस्क के लिए काम करती हूँ, डिमेंशिया इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट फॉर केयरर्स। हम केयरर्स की सपोर्ट करते हैं जिनके घर वालों के डिमेंशिया की बीमारी डायग्नोज हो गई हो, ओ या किसी को ज़्यादाश्त की कमजोरी है, उनकी फैमिली वरीड है उनके बारे में कि उनको ज़्यादाश्त की कमजोरी है, तो हम उन फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं।
सपोर्ट हम ऐसे करते हैं कि जैसे कि हम कुछ पहले रेफरल मिलती है तो हम उनके घर पर जाके उनकी असेसमेंट करते हैं कि उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं. अगर किसी को डे सेंटर में जाना है उनके लिए डे सेंटर की सर्विसेज उपलब्ध है. जितने अर्ली डायग्नोसिस होते हैं उनको डिमेंशिया पेशेंट्स को फ़ायदा है और घर वालों के लिए भी फ़ायदा है. अगर डिमेंशिया पेशेंट्स को पता चल जाए कि हम डिमेंशिया से डायग्नोस होते हैं डायग्नोस हो गया है तो वो फ्यूचर अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हैं और अब वो क्या कैसी कैसी सर्विसेज चाहते हैं. और घर वालों को भी पता चलता है कि डिमेंशिया है क्या, वो डिमेंशिया अवेयरनेस सेशंस अटेंड कर सकते हैं. उनको फिर डिमेंशिया के बारे में पता चलेगा कि हम कैसे कैसे उनके बिहेवियर को कोप करना है. और फिर सोशल सर्विसेज जो भी हेल्प मिलती है वो सर्विसेज भी उनको उनके लिए उपलब्ध हैं. और हम कल्चरली सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हम सभी कल्चर्स को सपोर्ट करते हैं जैसे कि एफ्रो कैरेबियन, इंग्लिश एंड एशियन. केयरर होने के नाते आपका ये हक बनता है कि आपको लोकल अथॉरिटी से केयरर्स असेसमेंट मिले जिसके बाद सही सर्विसेज या सेवाएं शुरू की जा सकती हैं. हम कई बार मेंटल हेल्थ सर्विसेज में नोटिस करते हैं कि लोग सर्विसेज का उपयोग करने से हिचकिचाते हैं. जैसे कि एशियन कम्युनिटी में कई लोग हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि वो सर्विसेज नहीं यूज़ करना चाहते क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी अकेले परिवार वालों की है, या वो घबराने लगते हैं कि हम सर्विसेज अटेंड करेंगे तो लोग क्या कहेंगे. इस सोच की वजह से अपने आप को सर्विसेज से दूर रखते हैं जिससे प्रॉब्लम और बिगड़ती जाती है और फैमिली मेम्बर्स पर बहुत स्ट्रेस पड़ने लगता है. हमारी कम्युनिटी में इस सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है. डिमेंशिया जैसे हमने पहले सुना किसी को भी हो सकता है. हमारी एशियन कम्युनिटी में लोग बात नहीं करते डिमेंशिया की क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग कहेंगे ये पागल हो गए हैं और लोग इनको उनसे बोलना बंद कर देंगे. एक्चुअली जितना ज़्यादा बात कर सकते हैं एक दूसरे से उतना अच्छा है. सपोर्ट ही नहीं, जो आदमी सफ़र कर रहा है उन्हें भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है और उसको ये फील कराना कि हम यहाँ हैं, वो आदमी सेम है, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको चीज़ें भूल जाती हैं, ये उसका कसूर नहीं है. जितनी सपोर्ट मिल सके उतना अच्छा है. और डे सेंटर के बारे में कई बार लोग कहते हैं कि हम अपने घर वालों को माँ बाप को डे सेंटर में भेजेंगे कि लोग सोचेंगे हम उनके घर पर लुक आफ्टर नहीं कर सकते, पर ये बात नहीं है. डे सेंटर जाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. इसमें जो आदमी घर पर आइसोलेट नहीं होता, अकेला नहीं रहता और उन घर वालों के उनको ब्रेक मिलती है, उनको जब वो काम पर जाते हैं उनको उनका फिक्र नहीं होता कि घर पर अकेले हैं. वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका माइंड स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे उनको भी थोड़ा बाहर जाने का चांस मिलता है डिमेंशिया पेशेंट्स को. उन्होंने हमें कहा था कि आप डिस्क में थर्सडे की मीटिंग में आया करें. शुरू में तो मुझे नहीं अच्छा लगता था जाना क्योंकि मुझे ये लगता पता नहीं वहाँ कैसे लोग होंगे, अगर ज़्यादा बीमार होंगे तो उन पे मेरे हस्बैंड पे क्या असर पड़ेगा. बट एक दिन हमने सोचा जाके देख लेते हैं कैसा होगा. हम वहाँ गए तो वहाँ काफ़ी केयरर से मिले, थोड़े पेशेंट भी थे वहाँ और केयरर सब इतने अच्छे थे कि सबसे बात करने से लगा कि हम ही नहीं सिर्फ सफ़र कर रहे, उस बात से काफ़ी लोग दूसरे भी इस बात में सफ़र करते हैं और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हम व्हाट वी आर गोइंग थ्रू द मोमेंट. सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अवेयरनेस वाकफियत तलकात बढ़े हैं. जैसे मैं आप लोगों को नहीं जानता था लेकिन वो पता है, फिर आप लोगों ने हमें थोड़ा थोड़ा करके सिखलाया ये है वो, फिर आपने हम लोगों से क्वेश्चन, उसका ये फ़ायदा हुआ कि फर्दर उस वक़्त की जो है ना मोमेंट वो मुझ में अच्छी आ गई है जी. लेकिन उसके बाद घंटा दो घंटे में उधर जाऊँ तो या कुछ भूल भी जाता हूँ, कुछ याद भी रहता है जी. लेकिन यह है कि ये नहीं है, अगर 100% नहीं ना तो 60% जो है वो आदमी बेहतर हो जाता है. डिमेंशिया एक बढ़ती हुई कंडीशन है और ये किसी को भी हो सकता है. इसमें आपको सहारे और सपोर्ट की ज़रूरत है. हालांकि डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है लेकिन सही प्रोफेशनल सर्विसेज आपको डिमेंशिया को मैनेज करने में बहुत मदद कर सकती हैं. मेरी मदर इन लॉ को डे सेंटर में जाती हैं तो उसके बाद मैं स्विमिंग जाती हूँ, वो करती हूँ अपने आप को हेल्थी रखने के लिए. तो बाद में घर का काम करती हूँ. जब तक मदर इन लॉ वापस आती हूँ
मैं सारा कुछ अपना कर लेती हूँ, तो मैं भी खुश रहती हूँ, मदर इन लॉ भी खुश रहती है। तो जो डिस्क है वो एवरी वीक हमारे लिए केयर्स ग्रुप करते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ जाके एक दूसरे से बात करते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं, तो रिलैक्स होते हैं एक साथ। हमें भी पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं इसमें, और भी लोग हैं, पर एक दूसरे के नाल साथ रल के हम इस बोझ को हल्का बना सकते हैं। डिमेंशिया सर्विसेज कॉन्फिडेंशियल होती हैं और कोई प्रोफेशनल्स आपकी कम्युनिटी में आपकी प्रॉब्लम्स का जिक्र नहीं करेंगे। मुश्किलों से जूझने के लिए सलाह लें, अपने एरिया में चल रहे केयरर्स ग्रुप में शामिल होइए, यहाँ से आपको बेइंतहा सपोर्ट और जानकारी मिल सकती है। आप शायद केयरर के तौर पर बेनिफिट्स के भी हकदार हो सकते हैं, बेनिफिट्स एडवाइस हेल्पलाइन से भी सलाह ले सकते हैं। अल्जाइमर सोसाइटी की नेशनल डिमेंशिया हेल्पलाइन से संपर्क करें, जो आपको केयरर सपोर्ट और सलाह दे सकते हैं। ये नंबर इस फिल्म के अंत में उपलब्ध होगा। केयरर होने का ये मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ अकेले खुद ही करना है। जब जरूरत पड़े तो औरों से मदद लें, अपने परिवार से, दोस्तों से, कम्युनिटी से और प्रोफेशनल से। अपनी देखभाल करना ना भूलें। अगर आपको रिस्पाइट की जरूरत है तो इसका प्रबंध किया जा सकता है। अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डिमेंशिया के साथ अच्छा जीवन जीना। डिमेंशिया में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सही आहार या डाइट जिसमें फैट और शक्कर की मात्रा ज्यादा ना हो लाभदायक हो सकती है। खूब फल, सब्जियां और फाइबर लें। नियमित एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद है, चाहे आपका डिमेंशिया किसी भी स्टेज पर हो। एक्सरसाइज केवल शरीर ही नहीं, मन के लिए भी बहुत लाभदायक है और इससे आपकी याददाश्त, मूड और नींद सब बेहतर हो सकते हैं। अपनी आँखों का, दांतों का और हियरिंग का नियमित चेकअप करवाएं। साथ साथ अपनी जीपी सर्जरी से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल्स का टेस्ट करवाएं। डिमेंशिया हुए व्यक्ति को खुद के काम खुद करने की मदद कीजिए जहां तक मुमकिन हो। ऐसे कई डिवाइसेस या उपकरण हैं जो डिमेंशिया में मदद कर सकते हैं। याददाश्त की सहायता के उपकरण जैसे कैलेंडर क्लॉक, मेडिकेशन प्रॉम्प्ट्स, डायरीज वगैरह थोड़ा सा बोझ कम कर सकते हैं। लोकेटर डिवाइसेस रोज के घरेलू सामान जैसे कि चाबी वगैरह ढूंढने में मदद कर सकते हैं। डिमेंशिया में चलते उठते समय संतुलन रखना मुश्किल हो सकता है। घर में कई ऐसी चीजें लगाई जा सकती हैं जिससे घिरने की संभावना कम हो जाए। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। अपने जीपी से इसके बारे में पूछिए। अल्जाइमर सोसाइटी से भी आपको और जानकारी मिल सकती है। हम सपोर्ट दे सकते हैं क्योंकि हम जो डिमेंशिया एडवाइजर सर्विस है वो जिन लोगों में डायग्नोसिस होता है हम ऑटोमेटिकली उनके साथ जाते हैं, मशवरा करते हैं उन लोगों से, भाई दिमाग की ये बीमारी है तो इसलिए कितना ज़रूरी है उन लोगों से ये दिमाग इस्तेमाल करें, क्लब जो वगैरह क्लब हैं वो लोकल एरिया में कहाँ हैं, कैसे इस्तेमाल करें, तो ये भी हम दिला सकते हैं क्योंकि किस किस्म की बेनिफिट उनकी उनके लिए अच्छी हो सकती है। डिमेंशिया और ड्राइविंग। डिमेंशिया के डायग्नोसिस मिलने के बाद ड्राइविंग के बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस मिलते ही आपको DVLA और अपनी कार इंश्योरेंस कंपनी को डायग्नोसिस के बारे में सूचित करना होगा। डिमेंशिया में जरूरी नहीं कि आपको ड्राइविंग तुरंत बंद करनी पड़ेगी, ये इस पर निर्भर है कि आप सेफली ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं। जब डिमेंशिया बढ़ जाए तो आपको ड्राइविंग बंद करनी पड़ेगी। DVLA आपकी सही असेसमेंट के बाद आपको सलाह देंगे कि आप डिमेंशिया के बावजूद सेफली ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं। याद रखिए, DVLA को डायग्नोसिस के बारे में सूचित करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। ठीक होना या ना होना या ये तो खुदा के इख्तियार है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश किए जाता हूँ क्योंकि लाइफ है, क्या करूँ, और कुछ है या बच्चे हैं। अब सबसे ज़्यादा ये दोनों बेटियां जो हैं ये मेरी लुक आफ्टर करती हैं, या मेरा वो छोटा बेटा है। फैमिली के सहारे के बगैर मेरा ख्याल अगर ना होता तो शायद मैं आज या आपके सामने बैठा हुआ ना होता। डिमेंशिया हुए व्यक्ति को एनकरेज कीजिए कि वो जहां तक हो सके खुद के काम खुद करें, इंडिपेंडेंटली करें। इससे उनका कॉन्फिडेंस
और उनके स्किल्स ज़्यादा देर बरकरार रहेंगे। परिवार की बातों में और एक्टिविटीज़ में शामिल करें। डिमेंशिया में फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिमेंशिया में लोग बड़ी आसानी से अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं, जिससे डिप्रेशन होने के भी बहुत चांसेस हैं। तो फैमिली और फ्रेंड्स यहाँ बहुत मदद कर सकते हैं। अपने करीबी रिश्तेदार को फैमिली की हर एक्टिविटी में शामिल कीजिए, उन्हें बाहर ले जाइए, घूमने फिरने ले जाइए। लेकिन याद रहे कि ये इनकरेजमेंट उनको नरमी से किया जाए। उनको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि उन पर दबाव डाला गया है या उनको मजबूर किया गया है। वही एक्टिविटीज़ चुने जो उनको पसंद हैं, और जो भी सजेशंस दें उन्हें बस इतना कहिए कि नई एक्टिविटी ट्राई करके देखें। माय मदर इन लॉ के नाल हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। हम घर में भी बैठ के मेरे बच्चों की वीडियो फिल्म है वो देखते हैं, हंसते हैं। मम भी देखती है, हम भी देखते हैं, वो भी खुश रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। उन्होंने 7 साल से डिमेंशिया है, बेसिकल डिमेंशिया है। डिमेंशिया के साथ उसकी मोटिवेशन नहीं है, पर मैं उसको बहुत इनक्रेज करती हूँ। उसके साथ बैठ कर जिक्सो बनाती हूँ, लेगो बनाती हूँ, नेटिंग करती हूँ, कलरिंग करती हूँ। तो जब वो थक जाते हैं फिर उसके हाथ की मसाज भी करती हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। फिर जब मौसम अच्छा होता हम बाहर गार्डन में चले जाते हैं। गार्डन में मैंने सब्जी उगाई है, उसको कली कली लेके उसको पूछती हूँ ये क्या है, ये क्या है, तो बहुत खुश होते हैं। इसके साथ नाले उनकी एक्सरसाइज हो जाती हैं, भूख हो जाती हैं, नाले उसकी मेमोरी के लिए अच्छा है। तो हम दोनों बहुत खुश खुश टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि डिमेंशिया से आपके जीवन में बदलाव आएंगे, लेकिन आपके प्रियजन डिमेंशिया के बावजूद वही इंसान रहेंगे जो वो हमेशा थे। आपको चीज़ें अलग तरीके से करनी होंगी, पर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हर चीज़ या एक्टिविटी छूट जाएगी। आप थोड़े से एडजस्टमेंट के साथ ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर सकते हैं, चीज़ों में शामिल हो सकते हैं, ज़िंदगी से खुशी पा सकते हैं। बाहर जाएं, घूमें फिरें, लोगों से मिलें। परिवार वाले और दोस्त इसमें बहुत सहारा दे सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि इस फिल्म से आपको मदद मिली और इससे आपको डिमेंशिया को समझने में सहायता मिली। हमारा सबसे बड़ा मकसद था कि हम आपको ये बताएं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी और आपके परिवार की मदद के लिए बहुत सारे सपोर्ट्स उपलब्ध हैं जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।